नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और मेरी ब्लॉग देखकर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ लगातार कमेंट करते रहिए ताकि मैं आपकी पसंद के ही व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। तो थंबनेल वगैरह देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना, कुछ भी अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना जिनको भी इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं और बहुत आसानी से मैं आपके बालों को काला करने का तरीका लगातार बताती आ रही हूँ, आगे भी बताती रहूँगी। आप अपना कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं और क्या मेरी रेमेडी आप यूज़ कर रहे हो और वो आपके हेयर को अच्छा बनाने में ज़्यादा सा भी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है, ज़रूर कॉमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, अब आपके साथ नंबर वन हेयर ऑयल शेयर करते हैं जो आपके बालों का हेयर फॉल तुरंत बंद करेगा और आपके बालों को काला करने में, लंबा करने में, घना करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटोरा, आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेना। मैं ये सिर्फ 2 से 4 बार के यूज़ के लिए बना रही हूँ। कोकोनट ऑयल ले लिया है मैंने 2-2.5 चम्मच के करीब। आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें डबल, ट्रिपल, 4 गुना 10 गुना कर सकते हो। इसमें मैंने डाला है रोज मेरी ड्राई लीव्स, इजीली मार्केट में अवेलेबल है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी इनको बाय कर सकते हो। इसके बाद यहां पर देख सकते हो मैंने आधा चम्मच लिया है, पहले ही बता देती हूं। उसके बाद आधा चम्मच से कम मेथी दाना लिया है। उसके बाद सूखे हुए मेरे हिबिकस के फ्लावर रखे थे वो लिए हैं। यहाँ पर अपराजिता के फ्लावर मेरे पास रखे हैं, सब ड्राई हैं वो लिए हैं। अगर आपको ये आपके पास नहीं है तो इन सब के पाउडर जो हैं वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और अमेज़ॉन के लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, वहाँ से आप सबको ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, फिर से बताती हूँ, लो रखना है, मीडियम बिल्कुल नहीं करना है। और गैस की फ्लेम लो करते हुए आपको इसको 2 से 4 मिनट ही पकाना है। 2 से 4 मिनट में ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक जाएंगी, आपको इनको जलाना नहीं है। चाहो तो यहाँ पर डबल बॉयलर का यूज़ कर सकते हो, मतलब कि नीचे तवा रख लो और उसके ऊपर इसको रख कर सकते हो। अच्छी तरीके से आपको इसको पका लेना है, 2 मिनट के अंदर ही ये बनकर रेडी हो जाता है। और इतना अच्छा ऑयल है, जितनी भी चीज़ें मैंने सारी यहाँ पर यूज़ की हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं जो आपके बालों को उगने में हेल्प करती हैं, आपका हेयर फॉल बंद करती हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप इन सब सारी चीज़ों के बारे में सर्च करके देख सकते हो। तो जिनको भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है प्लीज़ एक बार इस ऑयल को लगा कर देखो, कम से कम 1-1.5 महीना लगाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ऑयल कितना इफ़ेक्टिव है। मैंने ये ऑयल बनाया था सिर्फ अपने लिए, लेकिन घर के जितने भी मेंबर हैं सबने इसको यूज़ किया और ये दूसरे बार में ही ख़त्म हो गया। मतलब एक दिन तो मैंने लगाया और बाकी दिन सभी बाकी सब ने लगाया। तो ठंडा होने के बाद जो है मैं इसको छान लूँगी। आप इसको कांच के बर्तन में छानना, इस टाइम मेरे पास कोई कांच का बर्तन नहीं था तो मेरे पास एक डब्बी रखी थी, मैं उसमें छानूंगी। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से भी इसको रख सकते हो, लेकिन छान के रखोगे तो बेटर रहेगा। अगर आप इसको गैस पर रखकर नहीं बनाना चाहते तो आप कांच के बर्तन लो, इसमें ऑयल डालो और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी चीज़ें उसमें डालो और धूप में रख दो। रोज इसको हिला देना है दिन में एक बार, और धूप में ये अगर गर्मी में बना रहे हो तो ये हफ्ते भर में बन जाएगा, और अगर सर्दियों में बना रहे हो तो 15-20 दिन में ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रूट में लगाना है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी मांग निकालो और उसमें लगाते रहो। जिनकी भी मांग चौड़ी चौड़ी होती जा रही है, अंदर की स्कैल्प दिखने लगी है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव ऑयल है। होममेड रेमेडी से अच्छा कुछ नहीं होता है, आप सबको पता ही है, मैं पहले भी काफ़ी बार आप सबको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए रूट में ही लगाना है, लेंथ में लगाने का कोई खास मतलब नहीं होता। अगर हमारी रूट अच्छी होंगी, अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हमारे बाल जो हैं वो कभी भी नहीं झड़ेंगे, और अगर झड़ गए हैं तो वहाँ पर नए बाल उगने में हेल्प करेंगे। तो जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से लगाओ, और ये ऑयल आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ करना है। लगभग आधे घंटे के बाद आप इसको वॉश कर देना, शैम्पू से वॉश कर देना, क्योंकि ऑयल है ये इस तरह से नहीं निकलने वाला है, शैम्पू से वॉश करोगे तभी ये निकलेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको तरीका बता दिया है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर 2 आसन बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कैसे क्या आसन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देखिए मेरा जो ऑयल था वो ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी तरीके से मैंने लगा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना भी ज़रा सा भी ऑयल बचा होगा ना उसको अपने हेयर जो है उसको कटोरी में अच्छे से लपेट देंगे ताकि एक भी पार्ट या 1% ना रह जाए। अच्छी तरीके से आपको मसाज कर लेना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई आपका खास एरिया है जहाँ पर हेयर बिल्कुल कम हो गए हैं तो आप वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से लगाओ।
और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर मसाज कर लो। देखो ये स्टेप मैं बता रही थी कि कटोरी को बिल्कुल पोंच देना है, ठीक है। और जब भी आप इस ऑयल को लगाओगे तो प्लीज़ आधे घंटे से ज़्यादा रखना, तभी इसका इफेक्ट जो है आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने ऑयलिंग की, मसाज की, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक भी बाल जो है वो मेरे हाथों में आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगाया है। और अगर आप अपने हेयर की केयर करोगे तो कभी भी आपके बाल जो है बिना बात के नहीं टूटेंगे। ये जो स्टेप मैं दिखा रही हूँ बहुत अच्छा है, आप इसको दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जब ऑयलिंग करोगे तभी करोगे, इन्वर्जन मेथड है, आप इसको ज़रूर करो। इससे क्या होता है कि आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत अच्छी तरीके से होता है, जो आपके सेल्स हैं जो एक्टिव नहीं है उनको एक्टिव करने में हेल्प करता है। दूसरा है नेल आसन, इसको करने से आपके बाल जो हैं वो झड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब कर लेते हैं DIY डेकोर पीस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्डबोर्ड लिया है, मेरे पास 3-4 कार्डबोर्ड थे जिनको मैंने जोड़ जाड़ के एक बड़ा सा मोटा सा कार्डबोर्ड बना लिया है। जोड़ने के लिए आप टेप का यूज़ करना, पेपर टेप जो आती है, किनारे अच्छे तरीके से मैंने जोड़ दिए हैं। यहाँ पर एक पिकॉक मैंने बना लिया है, आप कोई भी चीज़ बना सकते हो जो आपको अच्छी लगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने फेविक्रिल की मॉडलिंग क्ले ली है, ये आसानी से मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ले सकते हो, मैंने ये अपने घर के पास से ही ली है। दो चीज़ें आती हैं, दोनों को मैंने आधा आधा लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स करना ताकि ये दोनों चीज़ें इवन हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए अपने फिंगर में या जिस सरफेस पे आप रखकर ये वर्क करोगे वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पाउडर लगा लेना, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके साथ काम करने में। मैं भी फर्स्ट बार कर रही हूँ, इससे पहले कभी भी मैंने क्ले को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया और बाकी जो पार्ट बचा मैंने उसको गीले कपड़े में रख दिया था। ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, गीले कपड़े में रखकर किसी टिफिन विफिन में रख देना, ढक्कन बंद कर देना, नहीं तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। इस वर्क को करते टाइम यहाँ पर मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है, जिसकी वजह से ये जल्दी बन पाया, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। अब देखिए पहले हमने यहाँ पर लगाया फेविकॉल MRF, तो आप कोई सा भी फेविकॉल लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने पतली सी जो डोरी बनाई थी वो लगाई है, और ये इस तरह के टूल रखे हैं मेरे पास, जब मैंने क्ले ऑनलाइन ऑर्डर की थी 5-6 महीने पहले तभी उनके साथ आया था। तो इस तरह से मैं लगाते जाऊंगी और इसको इसी में एक चाकू टाइप का आता है उससे कट करती जाऊंगी, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी रहे। पूरा इसी तरह से आपको कवर कर लेना है, और कभी भी ऐसा मत करना कि बहुत सारी पतली पतली डोरियां बनाकर रख लो और उसके बाद मैं इसको आराम से बैठ कर लगाऊंगी, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये डोरियां जितनी पतली होगी उतनी जल्दी सूखती जाती है, पत्थर हो जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो उतनी ही डोरी बनाओ जितनी की आपको ज़रूरत है। तो इस तरह से टूल की हेल्प से मैं इसको साइड साइड से सेट करते जाऊंगी, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करते हुए जाऊंगी। यहाँ देखिए फिर से मैंने फेविकॉल लगाया, और जो मैंने डोरी बनाकर रखी थी वो यहाँ पर लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा उसको कट कर देंगे, मतलब जो भी आपने चित्र बनाया है, जो भी बनाया है, उसको आपको इसी तरह से लगाना है। पहले फेविकॉल लगाओ, उसके ऊपर डोरी लगाओ, और फिनिशिंग के लिए किसी टूल का या चाकू का या कैंची का हेल्प आप ले सकते हो, जो आपके पास हो आप उस चीज़ से इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैटर्न बना दिया है, ये जो टूल है उसी से मैंने बना दिया है। और आप चाहो तो आपका पेन का भी यूज़ कर सकते हो, पेन की जो निब होती है उससे भी बहुत अच्छा पैटर्न ड्रॉ हो जाता है। आने वाले टाइम में बहुत सारे ब्लॉग्स में मैं ये शेयर करूँगी कि किस तरह से आप ये पैटर्न बना सकते हो। सभी जगह मैंने अच्छी तरीके से बना लिया है, यहाँ पर मोर भी मेरा बनकर रेडी हो गया है, और साइड साइड में जितनी लाइनें थी सब जगह मैंने क्ले लगा ली है और पैटर्न भी बना दिया है। अब ये देखिए 2-3 घंटे के बाद मैं काम में बिजी हो गई थी, जब ये सूख गया उसके बाद मैं इस पर वाइट कलर करूँगी। वाइट कलर करना ज़रूरी है क्योंकि ये बेस कलर होता है, इससे आपके जो भी कलर आगे करोगे वो निखर कर आएंगे। जब वाइट कलर सूख गया उसके बाद मैंने ब्लू कलर किया है, ये आपकी खुद की चॉइस है, ब्लू कलर करो या कोई भी कलर करो, लेकिन मैंने देखा है कि मोर जो है अधिकतर ब्लू कलर के ही होते हैं, तो मैंने गर्दन में और इसकी पूंछ वगैरह में कोशिश की थी कि थोड़ा थोड़ा सा पंख वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ब्लू कलर करूँ। देखिए जो चौड़ी जगह थी वहाँ पर मैंने चौड़ा ब्रश यूज़ किया, और जो कॉर्नर थे वहाँ पर मैंने पतला ब्रश यूज़ किया है। आप भी इसी तरह से कर सकते हो, अगर आपको ब्रश के बारे में कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कॉमेंट कर देना। अब देखिए पंख पर मैंने ये ब्राउन कलर करना सोचा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ब्राउन था, तो पहले मैंने इसे कर देखा, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने उसके बाद इसको चेंज कर दिया, थोड़ा सा ब्राउन को चेंज करके मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हो चौड़ा और पतला ब्रश का यूज़ करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और इसके पंख को ड्रॉ कर दिया है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। और यहाँ देखिए इसके बाद जब ये सूख गया तब हमने नेक्स्ट पार्ट किया, ऑरेंज कलर इसका बैकग्राउंड जो था मैंने वहाँ पर कर लिया। सभी जगह जो कलर है हमारे हो चुके हैं,
चोंच को मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी, जो इसकी आउटलाइन सरफेस है आप इसी तरह से छोड़ देना। अगर आप चाहो तो गोल्डन कलर कर सकते हो, बट मुझे ऐसे ही रखना था क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारा गोल्डन वर्क आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए इसका जो बॉर्डर है हमारे कार्डबोर्ड का, उसको मैंने लाइट ब्लू कलर किया है। डार्क ब्लू में थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला लूँगी ना तो लाइट ब्लू बन जाता है। अब जो कॉर्नर थे उनको भी मैंने अच्छी तरीके से फिल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं मोर की आँख में एक पतली सी डॉट लगा दूँगी ताकि वो देखने में अच्छा लगे, और उसके मोर के सर के ऊपर जो कलगी टाइप की होती है ना उसको भी मैंने इस तरह से कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। और ध्यान ये रखना है जब एक पेंट सूख जाए तभी आपको उसके ऊपर दूसरा पेंट करना है। अब मैंने इसको छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, जब ये सूख जाएगा तब हम नेक्स्ट इसके ऊपर मिरर वर्क करेंगे। पहले मैंने सारे मिरर रख कर देख लिए कि मुझे कौन सा कहाँ लगाना चाहिए। इस पॉइंट को आप स्किप मत करना बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखिए आप चाहो तो फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो फेविकॉल यूज़ कर सकते हो MR। यहाँ पर मैंने फेविकॉल MR यूज़ किया है। पहले सारे मिरर रख कर देख लिए थे, फिर उसके बाद एक एक करके मिरर हटा लिए और फेविकॉल लगा कर धीरे धीरे आप उनको चिपकाते जाएंगे। अब इस वाले पार्ट में मेरी हेल्प करी है मेरी बेटी ने, क्योंकि मिरर वर्क वो और मैं ही कर रहे थे, तो यहाँ पर बेटी ने मेरी हेल्प की है। मैं डॉट लगाते जा रही थी फेविकॉल का और वो मिरर रखते जा रही थी। इससे क्या है कि बच्चों को भी थोड़ा काम मिल जाता है और हमारा काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो पेंसिल की नोक की सहायता से मैं इनको सारे मिरर को सेट कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में रखना ज़रूरी है। टेढ़े मेढ़े अगर मिरर रहेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से पूरा जो इसका कॉर्नर है, जो बॉर्डर है, वो मैंने इसी तरह से मिरर से बना लिया है। आप देख सकते हो सारे कॉर्नर बन चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि गर्दन में भी कुछ मिरर लगा लेते हैं। हालांकि गर्दन पतली थी, वहाँ पर कोई मिरर सेट नहीं हो रहे थे और गर्दन मुझे भरनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला रख के देखते हैं, जितने भी आएंगे उतने लगा लेंगे। तो फर्स्ट में एक आया और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड लाइन में दो आ गए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो यही वाला अच्छा लग रहा है, यहाँ पर यही लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले फेविकॉल लगाया और उसके ऊपर ऊपर अपना मिरर रखती गई, और पेंसिल की नोक से मैं इसको सेट कर रही थी कि अच्छा लगे देखने में, टेढ़े मेढ़े से ना हो। तो पूरा मैंने इसी तरह से फिल कर लिया था इसको। फेविकॉल को आपको ध्यान रखना है कि पहले डॉट लगाओ और उसके तुरंत बाद उसके ऊपर मिरर रख दो। ऐसा नहीं कि पहले सारी डॉट लगाओ और उसके ऊपर मिरर रखोगे तो जब तक फेविकॉल सारा सूख जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर बातों की बातों में मेरी जो मोर है उसकी गर्दन भी कंप्लीट हो गई है मिरर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के ब्लॉग में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने ये वाला मोर बनाया है तो मेरे इंस्टाग्राम की ID पर मुझे DM करके ज़रूर बताना कि आपको ये मोर कैसा लगा और आपने बनाने में क्या प्रॉब्लम हुई। तो देखिए यहाँ पर बाकी सारा पार्ट जो है वहाँ पर भी मैंने मिरर लगा लिए हैं, और मिरर आपको आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ज़रा सा भी अच्छा लगे ब्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।